अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत ईद मुबारक। सो अभी हो गई है अजान और अब होगा खुतबा स्टार्ट। Even though we still have them in front of us. On this blessed day of Eid, my dear brothers and sisters, a small reminder, something that we can reminisce upon, is our father, our prophet Ibrahim. तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ अदा हो गई है और अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है। तो अब हम लोग सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मर्द और औरतें सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे छोटे मोटे गिफ्ट्स भी दिए गए हैं, गुडी बैग्स, लाइक गुडी बैग वगैरह जो होता है। सो ब्रेकफास्ट में इन्होंने अच्छी खासी चीज़ें रखी हुई थी। तो अभी हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद घर जाना है क्योंकि घर पर भी मेरी गैदरिंग है। घर पर मेरे मेहमान आने और फिर उनका भी करना है मुझे। और आज जो है वो फादर्स डे भी है, तो उसके हिसाब से बच्चों को भी दिलाने लेके जाना है बाबा के लिए, इनके लिए। तो उसका भी ब्लॉग मैं इंशाल्लाह इसके बाद डालूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो मेरी ये पुलाव की यखनी रेडी है, रेडी हो गया है कि बेक होने लगी है। बस चिकन टिक्के जो मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें डिश में डाल दिया, बस ओवन में डालना है। मैंने इसमें बेक करना है, आधे मैंने इसमें बेक करना है। ये बीफ पुलाव बन गया मेरा, ये चिकन टिक्के बन गए, ये लज़ानिया बन गया, ये निहारी, ये गोला कबाब का सालन, ये शीर कोरमा, ये केक। इस ईद पे भी ईदी। आ रहे हैं इनकी मामी की तरफ, और क्योंकि मेरे घर में वैसे गैदरिंग हो रही है, लेकिन मैंने कहा उसको वादा किया था मैं तो कि थोड़ी देर के लिए आऊँगी मिलने के लिए, फिर वो शाम में वो आएगी इंशाल्लाह। तो बस चलते हैं फटाफट और फिर मुलाकात करते हैं। बस पिज़्ज़ा की तरफ से रमशा मामी के लिए कार्ड और ये कुछ चॉकलेट्स। चलता है। और वानों ने बनाई ईद मुबारक। और बेबी आपने क्या बनाया? बेबी ने ये बनाया रमशा मामी के लिए। सो ये थी हमारी ईद। आप लोग भी बताएं आप लोग ईद कैसे गुजरी। थैंक यू, बाय बाय।